আইডিজিপি আইডিয়াল গ্রাউন্ড ফর জিমনাস্টিক প্রোগ্রেশন যেটা শেখার জন্য একটা আদর্শ গ্রাউন্ড। ফিট থাকুন, দেখতে থাকুন, স্বাধীন হবে। তো আজকে একটা ছোট্ট মতন ফিটনেস সেশন থাকবে, করিবেন 30 মিনিট কে আন্দর রয়েগা। থোড়া সা ঘর মে জায়গা হ্যায়, ঘর কে আন্দর থোড়া ফিটনেস করনা হ্যায়, কিন্তু হমেশা হি ফিট রহনা চাহিয়ে, ক্যোঁকি সময় কম হ্যায়। আর যো কাম মে করতা হুঁ, वो बच्चे लोग को ट्रेनिंग कर रहा था, उसके लिए फिट रहना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे फिटनेस दिखाएंगे। हम लोग रनिंग करते हैं, ब्रेन रनिंग करीबन हम लोग अगर 5 मिनट एक जगह रनिंग करेंगे तो भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा सा जगह का अंदर भी फिटनेस हो सकता है, तो चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर बोरिंग हो जा रहे हम लोग, बोरिंग लगते तो तब चेंज कर लेंगे। तब नहीं फिर अच्छा नहीं लगा तो स्ट्रेट कर दीजिए। রানিং না করলে হবে, একটা জায়গায় আমাদের কনস্ট্যান্টলি 5 মিনিট 7 মিনিট 10 মিনিট যে কেমন পারবে করতে পারে সাইড ওয়াইজ। তাহলে কি হবে, ভ্যারাইটিস হতে থাকলো, বোরিং লাগলো না, এনজয়ের সাথে পড়া যাবে। अगर किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दीजिए, म्यूजिक के साथ फिटनेस करिए। फिट हमेशा एक्टिव होता है, एक्टिव रहना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है सबको। फिर बैकवर्ड इसके साथ थोड़ा सा जॉगिंग के साथ सिंगल लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बोरिंग हो रहा है तो जॉगिंग करिए। लेग चेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जॉगिंग करिए। फिर जो काम करना है आपको कंटिन्यूसली करना है, उसके साथ साथ सब बेनिफिट मिलेगा आपका फिटनेस के लिए। अभी बॉडी भी लग रहा है तो जंपिंग करिए, स्ट्रेट जंप इसके साथ, और बॉडी लग रहा है साइड टू साइड, तो इंजॉयमेंट खुद को ढूंढना पड़ेगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और कोई नहीं लग रहा है तुम्हें लेग में जाम करो। और कोई नहीं लग रहा है तो लेग चेंज करो। लेग चेंज करके साइड टू साइड फॉरवर्ड बैकवर्ड करिए, साइड वाइज लेग चेंज फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड वाइज। धीरे धीरे आपका फिटनेस बढ़ते जाएगा, तो कोशिश करिए टास्क छोटा छोटा, फिर धीरे धीरे बढ़ा।
जंपिंग एक्सरसाइज बहुत है, सिर्फ थोड़ा सा फॉरवर्ड थोड़ा सा बैकवर्ड, ठीक है, आपको 5 मिनट तक करना है कंटिन्यू, फिर साइड चेंज चेंज चेंज, फिर इसको अगर भरे भी लेना है थोड़ा सा टफ आगे थोड़ा सा इसमें बस टेक करते रहिए, फिर साइड वाइज ये थोड़ा हार्ट में आता है, फिर जितना ऊंचा स्टेप होगा उतना हार्ट होगा, फिर जंप, तो 5 मिनट 20 सेकंड हो गया, तो करने से बहुत कर सकते हैं, तो हम लोग जाएंगे दूसरे एक्सरसाइज में, क्योंकि बॉडी थोड़ा हीट हो गया, सही है, मतलब इधर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पेट का, थोड़ा सा जगह है ये थोड़ा जिसका इतना फिट नहीं है कर नहीं पाएगा, पर कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, फिर पूरा इसके साथ पेट कप भी करेंगे हम लोग, कंबाइन फिर एक के बाद एक करेंगे तो कम टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, फिट बहुत जल्द हो सकते हैं, थोड़ा सा कोना है इसमें हम लोग पैरेलल की तरह हिट कर सकते हैं छोटे से जगह में एडजस्ट करने के लिए, हाथ का भी हो जाएगा पैर का भी हो जाएगा, वाह, एक गर्मी का मजा, बस काम में लग जाता हूँ, भूल लग जाता हूँ बस और कुछ नहीं, क्योंकि उम्र के साथ साथ और कमता है तो प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे।
और फिर फिटनेस के साथ मिलेंगे, और बाकी तो हम लोग का प्रैक्टिस प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। देखते रहिए, साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।